बुझा ए भाई लड़ाई झगड़ा सब बंद करो। गाइस वेलकम बैक राजपूत फैमिली ब्लॉग। तो आज संडे है और मैं अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मेरा नींद ही मुझे नहीं लगा, पता नहीं क्यों। कुछ कर ले, इधर मेरे मंदिर में पर्दा लगा हुआ क्योंकि सुबह हो रहा है, सुबह रात को मंदिर के पर्दे लगा कर सोते हैं। अभी मैं जाकर, मैंने 3-4 बजे से पहले ही खुल गया है। मैंने 1 घंटे आधे घंटे पहले मैंने पानी लगाए थे गर्म होने के लिए, वो भी गर्म हो चुके हैं और किचन का सामान फैला हुआ। सोच रहे हैं संडे है, मम्मी की भी छुट्टी कर दे तो, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह उठ के किचन में नाश्ता बनाती है, क्योंकि तो मम्मी सुबह किसी को भी नहीं उठाती है। तो आज संडे को सोच रहे मम्मी के लिए सरप्राइज़ भी हो जाएगा और उनका छुट्टी भी हो जाएगा। आरती के साथ उनको चाय दे देंगे और फटाफट जो भी बनेगा ब्रेकफास्ट बना देते हैं। चलिए तो वीडियो में बना रहिएगा। ये देखिए घड़ी का टिक टिक और मेरे घर में सब सो रहा है। इधर करण सो रहा है, इधर यूसुफ उठ के पढ़ रहा है, इधर रिया सो रही है। तो इस किचन थोड़ा साफ कर देती हूँ, करने के बाद मैं फटाफट नहा लेती हूँ क्योंकि गर्म होने के लिए पानी में मेरी गर्म हो चुकी है। वीडियो में बने रहे, आपको दिखाते हैं एक प्रोसेस। तो यहाँ मैं हो गई नहा के रेडी और माइंड हो गया बिल्कुल फ्रेश। अब देखिए मेरा फेस भी कितनी ग्लो कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर 5:30 होने वाला है। अभी मैं मंदिर के दर्शन करवाती हूँ, आप पूजा कर लूँगी। जब तक मैं करण को उठाऊँगी, करण कैमरा पकड़ेगा, तब मैं आगे आपको दिखाऊँगी आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ आपको अपने मंदिर का दर्शन करवाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे। ये राधे राधे प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सबका दिन सुबह अच्छा हो। तो चलिए हम पूजा पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि सुबह का दिन तभी अच्छा होता है जब भगवान का बढ़िया से पूजा हो जाता है। तो यहाँ मैंने सारे भगवान का बढ़िया से पहले पूजा करूँगी, जो जलाऊंगी मंदिर में, उसके बाद जाके अपना किचन में भाई को उठाऊंगी। अब उसको उठाऊंगी तो वो मेरा फ़ोन पकड़ेगा, तब मैं कुछ काम करूँगी। तो प्रेम से बोलिए राधा राधे। हमारा पूजा भी कंप्लीट हो गया और हमारे कान्हा जी के फेस पे कितना प्यारा स्माइल है, और सब लोग को प्यार से आरती। तो मेरा पूजा हुआ कंप्लीट और चलते हैं भाई को उठाते हैं, क्योंकि मेरा भाई नींद में ही बोल रहा है उठ जा रहा हूँ उठ जा रहा हूँ। मैं उसको 2-3 बार उठा चुकी हूँ और बोल रहा हूँ उठ जा रहा हूँ उठ जा रहा हूँ। अभी उसको उठाती हूँ, उठ जा भाई प्लीज। अरे मैं उठ जाता हूँ ना, देखो उठाती हूँ कस के। उठ जा भाई, चाय पिलाऊंगी भाई। मैं नहीं बना रहता कैसे। उठ जा मेरा भाई, लड़ाई बहन एरिया। उठ जा बहन, कैमरा पकड़ ले मेरा। ये गाइस, तो मेरा भैया जी उठ गए हैं, बहुत मुश्किल से उठे हैं। तो यहाँ पालक मैं बनाऊंगी आज, पालक जैसे पनीर बनाते हैं ना उस टाइप के बनाती हूँ, और 2 रंग की सब्जी बनाऊंगी। तो पहले सब्जी वब्जी सब काट लेती हूँ। यहाँ दूध भी गर्म हो गया, प्रथम को थोड़ा दूध देती हूँ गर्म। इसी का रिया दीदी का भी नींद खुल गया है, और रिया दीदी लगी पड़ी है सफाई में। पहले पूरा साफ करना हो जाएगा। यहाँ मैंने सब आलू को कट लिया। आलू में, इस आलू में 2 तरह की सब्जी बनानी है। तो पालक को धो को सारा पालक को उबाल लूंगी। ये पालक मैंने 1 गड्ढी लिए हैं, सबको ऐसे तोड़ लूंगी। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में एक कप या आधा कप पानी रखेंगे। पहले 2-3 पानी से धो लेंगे, उसके बाद से सारा पालक इसके अंदर डाल के, सीटी नहीं लगाना है, बस थोड़ी सी इसको पकाना है। लिया मैंने एक गोभी, थोड़ा सा बीन्स लिया है, एक बैंगन लिया है, और यहाँ 2 शिमला मिर्च लिया है मैंने। सबको काट के और छिल के आपको, मैंने सारी सब्जी काट के है। इधर मेरा पालक भी उबल गया है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है,
हालांकि थोड़ा सा उबल के ठंडा हो गया है, तो मैं इसको हाथ में थोड़ा सा इसको पीस लेंगे हल्के से। तो जो ठंडा हो गया है, जो हाँसी में छू पा रही हूँ इतना ही नॉर्मल हो जाए, तो सारे मिक्सी में डाल के। तो यहाँ मैंने मिक्स सब्जी के लिए सब काट लिया है, यहाँ टमाटर ले लिया दोनों सब्जी के लिए, दोनों सब्जियों के लिए आलू है, यहाँ गोभी गाजर प्याज काट लिया है मैंने, यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट बन गया, इसमें मैंने पालक का भी पेस्ट बना दिया है अभी, और सारे छः हो चुका है। तो चलिए मैंने टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी करते हैं, मम्मी कभी भी आ सकती है। इसमें भी डालेंगे, ये कढ़ाई अभी देगी नहीं, अभी जस्ट डाला है, दोनों में तेल डालूंगी, थोड़ी सी आलू जो मैं फ्राई के पर निकाल लूंगी, जो मैंने बड़ी बड़ी पीस में काटी है सारी आलू को निकाल लूंगी, सबको निकाल लूंगी अच्छे से। पहले इसे फ्राई करूंगी, ये आलू पालक बना रही हूँ मैं, लाल हो जाएगा उसके बाद ही तब तक मिक्स वाले में डाल दूँ, जो पचफोरन डालती हूँ डालूंगी 2 से 3 इंच का, ये लाल हो जाएगा उसके बाद उसमें डालूंगी प्याज। मैंने बना दिया है इसका पेस्ट, जो मैंने पालक उबाला था, अब इसको रखूंगी मिर्च और तेजपात लाल हो गए डाल दूंगी थोड़ा सा प्याज, इसको थोड़ा लाल कर लेंगे, थोड़ी सी आलू में डालूंगी नमक हल्की सी, आलू के अंदर थोड़ा नमक का फ्लेवर चला, थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज का कलर भी चेंज हो गया है कुछ इस तरह से, लीजिए उसमें डाल देंगे अपने पालक वाला में डालने के लिए, इस तरह में डाल दी इसके अंदर इसे थोड़ा सा फ्राई करने के, इसमें सब 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद सारे सब्जी चल जाएंगे, जैसे लाल हो गया आलू सर, अपना आलू इसमें निकाल लूंगी, इधर आलू निकलेगा और इधर जाएगी आलू, इसमें गई आलू और ये आलू फ्राई हो गया है मेरा फोरन, इसमें ये सारी सब्जी एक साथ जाएगा, बड़ी कटी हुई है, इधर हमारा कटा हुआ बैंगन, इधर कटी हुई बीन्स, ये हमारा गया मटर, इस तरह सारी सब्जी मिक्स, सारी सब्जियाँ मिक्स करके तब बनाएंगे। इन पे यहाँ मेरा प्याज देखे डाल, ये हमारा 2 से 3 तरह जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है, 1 भर के चम्मच मिक्स मसाला भी हम घर में बनाते हैं, लाल मिर्च पाउडर 10 मिनट, फिर डालेंगे हल्दी, सबसे करेंगे बढ़िया से मिक्स, इसे फ्राई करना है हमें, इधर सब्जी में इसमें जाएगा अब नमक, अभी इतना ही और इसमें जाएगा नमक पहले ही मसाले से पहले जाएगा, इसमें जाएगा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट मसाला, इसमें जाएगी भर के हमारी 1 चम्मच मिर्च, इसमें जाएगी हल्दी, इसमें साथ में यहाँ टमाटर जाएगा हमारे हमारा, इसमें भी टमाटर हम साथ में भर देंगे, ठीक है सब्जी अगर कितना कलर है इधर हमारा ये सब्जी इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, मसाले भी भून लेंगे, इसको भी बढ़िया से भूनेंगे, इसके साथ साथ ये आलू भी हमारा भूनेगा तब तक पकेगा, इसके साथ बनाएंगे ना इसको, तब तक दोनों सब्जियां फ्राई हो रही थी, तब तक मैं सारे ये जितने मैंने बर्तन लिए थे मेरा सीन भी पूरा भरा हुआ है, थोड़ा ढक देंगे, इसको भी थोड़ा ढक देते हैं, तब नहीं बर्तन साफ कर लेते हैं, इसको पहले बढ़िया से फ्राई करेंगे, देखिए थोड़ा सा आलू, तो ये सारा टमाटर देखिए गल गया इसके अंदर, इधर भी देख लेते हैं, हमने क्या पहले बाबू जी आगे
जो हमने उबाल के पाला पालक वाली सब्जी हमारा ये आलू पालक रेडी। इसी तरह से गर्म पानी साथ बज चुके हैं। मम्मी नहीं आई अभी तक, मम्मी के आने का अभी पता नहीं क्या ही चांस है। मशीन डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, इसको अच्छे से चला के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। गया है हमारा सब्जी, इसको डालेंगे हल्की सी पानी क्योंकि हमारी दोनों सब्जी सूखी हुई है। 5 मिनट के बाद हम इसमें धनिया पत्ता डाल के। आई सी मम्मी आई है, आई मम्मी कंफ्यूज है, कह रही है कहीं जाना है, है? ये हो गया हमारा पालक वाला सब्जी रेडी, आलू पालक रेडी। सब लोग बच्चे हैं चाय 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 जाएगा हमारा एक गिलास चाय। ये हमारा ये जाएगा चाय पत्ती। अच्छा चाय लगना जितनी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी चेरी ना बोले थे स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। रिया दीदी पियेंगे नींबू पानी डाइट पे, उसके बाद चाय पियेंगे। बताओ ऐसा होता है क्या चिंदी अम्मा? क्या खाता नहीं स्ट्रॉबेरी खा लेनी? तो हे गाइस इधर बन गया हमारा चाय और भाई मेरा सुबह से उठ के पड़ा हुआ है। देखा मुँह, हाँ ये देखिए किचन भी थोड़ा साफ हो गया है। इधर चाय एक सब्जी हमारी रेडी हो गई है, अब आटा लगाएंगे और चावल। कैसा लगा माँ? सही लगा था, सब नहा लिए घर में आए, सारा कपड़ा धुल के आज ही नहीं मिलने वाले भी है सुबह। तो ये भी सब्जी हमारा रेडी, इसमें भी धनिया पत्ता डाल के बस ये हमारा मिक्स सब्जी भी रेडी। तो सुबह के मॉर्निंग और आज के संडे स्पेशल हमारा दोनों सब्जी रेडी। गैस का फ्लेम बंद करें, एक तरफ चढ़ा देंगे चावल, जो तरफ चाय मेरा उबलेगा। और देखिए 7 बजते ही हमारा सब्जी दोनों बन गया, तो घर में झाड़ू पोछा भी हो गया, प्रथम भी नहा लिया, रिया भी नहा ली। डाल देंगे चावल डाल चढ़ा देते हैं। ये हमारा चाय, तो ये हम सबका चाय हो गया रेडी। चलिए चाय पीते हैं। बाल्टी में चाय? हाँ बाल्टी में चाय है। कहाँ बाल्टी में? कहाँ बाल्टी में चाय? देख लीजिए मैं पीछे। हाँ बहन पोछा कब तक लगेगा बहन? यार बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। और 7:20 तक, 10-20 मिनट तक हमारा काम खत्म हो गया है। प्रथम रेडी है, संडे है ना संडे। और इधर बोलिए प्रेम से राधे राधे। इधर मेरी मम्मी जी आते हैं साथ में हेल्प करना चालू करना। ए भाई लड़ाई झगड़ा सब बंद करो। मन के बिगड़ गया। देखो इधर मेरी मदर इंडिया बनाएगी रोटी। देखो किचन कितना चकाचक पूरा घर भी, आज कपड़े भी धुल गए हैं संडे संडे, बिस्तर भी चकाचक हो गया क्योंकि अब सुबह मेरा हाल देखे थे किचन का घर का। और ये दीदी कैसी लग रही है? नींद आ रहा है। ये हमारा पालक पनीर जो देख सकते हैं कितनी ही मजेदार हुआ है, देखने में इतनी प्यारी लग रही है। सोचने देखा भी होगा पहले वाली वीडियो में भी जिस पर मेरी बहुत सारे व्यूज आए हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों को। तो इस तरह की रेसिपी हम हमेशा लाते रहते हैं। प्लीज हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते ही रहते हैं। इसमें हम लोग जो भी करते हैं आपको दिखाते हैं। ये सुबह का हमारा रूटीन था और आज का संडे था। सब्जी सच में देखने में कितनी प्यारी लग रही है ना, कलर भी इसकी बहुत ही अच्छी आई है। हमारा मिक्स सब्जी था जो आज संडे का पूरा वीडियो हम जल्दी रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी अपलोड करेंगे क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ये हमारी आज की रेसिपी।
तो इधर मम्मी गर्मा गर्म रोटी बना रही थी, रोटी को घी में लगा लगा के सबके प्लेट में सजा दिया, सबके लिए नाश्ता लगा दिया क्योंकि 8:30 बज गया था। सब नहाने के बाद जल्दी भूख लग जाती है, तो ये सब हम बैठ के आराम से अब इन्जॉय करेंगे। देखिए सब्जी एक लड़ कितनी अच्छी है सब्जी, मेरे से तो बस कंट्रोल नहीं होता कैसे भी खा लूँ इसे, लेकिन थोड़ा सा पापा को जाना था इसलिए उनका भी लंच पेक हो रहा था, तो पहले उनको भेज के उसके बाद हम लोग इन्जॉय करेंगे। तो ये गाइस सबसे पहले इसने ही चखा है खाना। आजा आजा करण प्रथम, घर के लक्खी है ना, वैसे पहले खाना ही पहले खाती है। मेरा घर के लक्खी है, लक्की मीन्स मतलब लकी। बाप रे, कैसा लगा प्रथम? आइए और खाइए, अपना संडे मनाइए। तो ये था हमारे पापा का लंच पेक, ले कर ले जल्दी जल्दी। ये बहुत गुस्सेल हो गया, इसको कुछ नहीं कर सकता। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बाकी आप लोग बना के ट्राई करके जरूर देखिएगा। क्या बनाइए और खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और संडे मनाइए ऐसे ही। पापा का लंच पैक।